ओके सर या बोल बोल गाइस सब काम करो इसको छलना करना चाहते हैं क्या मैं बोलो ब्लर किया तो बोल जाए ब्लर क्यों कर अब बता क्या करूं बता अभी आने लगे बोल अभी तू बैकग्राउंड दे तुम मत मैं बोला ना बैकग्राउंड दे क्या है करने के लिए बजा मत एक्शन बेसिकली हम सब ने हिम्मत करके एक्चुअली जो नैना है उन्होंने सबको समझाया गांव वालों को कि हम जाके ठाकुर साहब से इतना तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जिस आश्रम में लड़कियों को भेजा जाता है उनके जो पेरेंट्स हैं वो जाके एक बार वो आश्रम तो देखकर आ सके कि कहाँ रहने वाली लड़कियाँ कैसी जगह एंड ऑल दैट सो बेसिकली ठाकुर जी मान जाते तो उस खुशी में हम सांझा चूल्हा करते सांझा चूल्हा मतलब कि एक साथ मिलके खाना बनाएंगे गांव वाले और एक साथ ही खाना खाएंगे सो बेसिकली ये है और हम सब खुश हैं क्योंकि जो इतने सालों से प्रथा थी और जो पेरेंट्स को पता भी नहीं होता था कि उनकी बेटियां कहाँ जा रही हैं एटलीस्ट वो अब जाके आश्रम देख के आएंगी कि कैसा आश्रम है क्या है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि नैना को तो पहले शक था ठाकुर के पिता ठाकुर पर कि क्या वो आश्रम सही में आश्रम है या वो लड़कियों वो शक तो भी क्लियर हो गया है कि वो शक नहीं वो सच है कि वहाँ पे कोई आश्रम नहीं है एंड वहाँ पे लड़कियों को जाके बेचा जाता है एंड कहीं और ही ले जाया जाता है लेकिन वो सिर्फ उसको पता है गांव वालों को नहीं पता मुझे नहीं पता किसी को नहीं पता सिर्फ ठाकुर और उसी को पता है तो अब आगे उसके लिए आगे देखना पड़ेगा कि ठाकुर क्या चाल चलते हैं कैसे दिखा देते हैं आश्रम तो लेट्स सी आगे के एपिसोड में हाँ वो ट्विस्ट ही है कि ठाकुर फिर जीत जाता है वो आश्रम दिखा देते हैं